तो जय हिंद दोस्तों, आज है तारीख 1 अगस्त सन 2023 और आज मैंने प्रोग्राम बनाया है कि मैं ट्रैक पर जाऊंगा। और जैसे आपके वीडियो के टाइटल से पता लग ही गया होगा, मैं आज काफनू विलेज जा रहा हूं जो कि नौर में पड़ता है और 2 दिन में वहां पहुंचूंगा। और ये पिन बाबा पास ट्रैक है। तो तारीख 3 अगस्त सन 2023 और मैं रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ। ये मैं अपने रूम में बैठा हूँ और आज मैं अपने ट्रैक पर जाने, मतलब आज मेरा ट्रैक का पहला दिन होगा। मैं यहाँ से काफनू जाऊँगा और कुछ पक्का नहीं कह सकते कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा बारिशों का सीज़न है। पता नहीं आगे रास्ते खुले होंगे, ब्लॉक होंगे, भेजेंगे यहाँ से या नहीं भेजेंगे, पर मैं एक ट्राई तो करूंगा ही। और चल का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। मैं पहले तो चंडीगढ़ आ गया, नाइट स्टे वहाँ करा, सुबह रिकॉम्पियो की बस पकड़ी, जिससे मैं अब इसके बेस कैंप काफनू पहुँच जाऊँ। पर हुआ ऐसा कि शिमला का रास्ता ही ब्लॉक हो गया चक्की मोड़ के पास, तो फिर मुझे वहाँ से पहले बिलासपुर जाना पड़ा, फिर वहाँ से शिमला आना पड़ा, फिर वहाँ से रामपुर आना पड़ा। मैं आगे पूरे कैंप तक पहुँच भी नहीं पाया। तो जो रास्ता मेरा शिमला तक 4 घंटे का था, मैंने 8 घंटे में कवर करा और उसके बाद 5 घंटे और लगा के मैं यहाँ पहुँच गया। यानी लगभग 13 घंटों में मैं यहाँ रामपुर पहुँच गया, 13-14 घंटों में। और अब कल, मतलब आज जो मेरा रास्ता है वो 4 घंटे का है और वहाँ काफनू विलेज है, वहाँ से मेरा स्टार्ट होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको वहीं कैंप साइट, मतलब बेस कैंप में जाकर। देखते हैं कि आगे क्या होता है, मैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ। तो जो भी है आप मेरे से जुड़े रहिएगा, मैं आपको सब बताऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि कैसे काफनू पहुँचते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से चंडीगढ़ से रोज़ सुबह 4 बजे एक बस चलती है जो डायरेक्ट काफनू जाती है, तो आप वो पकड़ सकते हैं। कुल 8 से 9 घंटे का रास्ता है, 10 से 11 घंटे का रास्ता पड़ता है काफनू विलेज जाने में। यानी आपका 3-4 बजे तक आप यहाँ काफनू पहुँच जाओगे। पर ये बस हमेशा नहीं चलती, जैसे अभी चलने रही थी, तो इस कंडीशन में आप वहाँ से रिकॉन्पियो की बस पकड़ सकते हैं। वहाँ से वांगटू पहुँच रही है, वांगटू से ऊपर रास्ता जाता है वो आप पकड़ सकते हैं। और वहाँ जाने के लिए कोई भी लोकल गाड़ी या कोई भी लोकल बस जा रही होगी, वांगटू होकर जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप वॉल्वो में सफ़र करना चाहते हैं, तो सुबह यहाँ से चंडीगढ़ से टापरी तक आपकी वॉल्वो चलती है, उसमें आप बैठ जाए, उसमें भी आप वांगटू उतर सकते हैं। ये भी सुबह 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास चलती है। तो आप ऐसा अपना सफ़र काफनू विलेज तक कर सकते हैं। खैर अभी बरसातों का मौसम है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो मिलते हैं आप। पहले आया था। अच्छा, पापा मम्मी के साथ तब मोलिंग तक गया था।